डियर आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 टू दी पावर 3 बाई 4 डीएक्स। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स की पावर 4 कॉमन ले रहा हूं, तो एक्स की पावर अगर 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टर्म में यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे तो x के पावर 4 नहीं है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा x के पावर 4, ठीक है। टू दी पावर क्या हो गया 3 बाई 4 dx, ठीक है। अब ये x के पावर 4 को अगर बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 4 और ये पावर अगर 3 बाई 4 अगर x में एड होता है तो क्या हो जाता है, ये टर्म को बाहर कर देता हूं, 1 बाई एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 बाई 4 डीएक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म को बाहर कर दिया और इसका पावर इसमें चढ़ा दिया तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पावर 3 है और यहाँ पे 2 है तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स की पावर 2 और 3 कितना हो जाएगा एक्स की पावर 5 होगा और ये जो टर्म है 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 3 बाई 4 डीएक्स, ठीक है। अब यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, पुट 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू टी, 1 बाई एक्स के पावर को टी मांग रहा हूं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स के पावर 4 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू टी हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट डीटी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस 4 बाई टी एक्स और t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा डी टी बाई डी टी तो ये तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x के पावर माइनस एन का क्या फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएट ऑफ x टू दी पावर माइनस एन बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस एन बाई एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, तो माइनस एन माइनस 4 बाई एक्स के पावर 4 प्लस 1 तो एक्स के पावर 5 होगा इंटू डी एक्स बाई डी टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी बाई डी टी 1 हो गया तो ये हो जाएगा माइनस 4 बाई एक्स टू दी पावर 5 डी एक्स इक्वल टू डी टी को अगर मैं यहाँ ले जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, डी एक्स इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो माइनस एक्स टू दी पावर 5 बाई 4 माइनस एक्स टू दी ये यहां पे चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और माइनस वो इस डी टी तो ये आ गया एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इस तरह से यहां पे लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहां पे हम लोग 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 डीएक्स को हम लोग डी टी लिख सकते हैं तो सिर्फ 4 को लेके जाता हूँ, डीएक्स बाई एक्स टू दी पावर 5 को हम ऐसे ही रहने दे रहा हूँ और डी टी बाई यहाँ पे 4 नीचे ला रहा हूँ सिर्फ और यहाँ माइनस तो डीएक्स बाई 1 बाई एक्स के पावर 5 को हम लोग डी टी माइनस डी टी बाई 4 लिख सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या डीएक्स को हम लोग डीएक्स बाई इतना को क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी बाई 4 को डी टी ऊपर लिख रहा हूँ माइनस 1 बाई 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको हम टी माने हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी टू दी पावर 3 बाई 4। अब इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो 1 बाई 4 इंटू 1 प्लस टी टू दी पावर माइनस 3 बाई 4 डी टी एक्स के पावर माइनस एन जैसे अभी मैं बताया था तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 इंटू 1 प्लस टी टू दी पावर माइनस 3। ये क्या होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में क्या होता है एक्स के पावर माइनस एन का होता है तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा माइनस एन प्लस 1 मीन्स 1 प्लस टी टू दी पावर माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 प्लस सी। तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 तो 1 बाई 4 हो जाएगा, देखिए माइनस 1 बाई 4 इंटू 1 प्लस टी, टी का वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स के पावर 4 तो यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 बाई 4 क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 4 और यहाँ पे भी 1 बाई 4 आएगा प्लस सी।
और ये 1/4 को 4 ऊपर ले जाएंगे तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस। इसको चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एलसीएम ले सकते थे। एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेने पर इसके बाद मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 4। अगर एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 1 और एक्स टू दी पावर 1/4 है प्लस सी। अब इसको फोर्थ रूट अगर चढ़ा देंगे तो फोर्थ रूट ये चढ़ा देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, सिर्फ इसमें हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 टू दी पावर 1/4 बाई एक्स प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।